सुबह सुबह मंटू हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। हमने चुनाव प्रचार स्टार्ट कर दिया है, इलेक्शन में हम खड़े हो रहे हैं ना। अरे चाचा, खेत उत बेच के चुनाव लड़ रहे हो क्या तुम? नहीं नहीं बेटा, खेत उत बेच के नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। बस चुनाव लड़ने का मन किया, हमने कहा कि इस बार चुनाव लड़ने की को तैयार हो गए हम। और तू चल हमारे साथ प्रचार करते हैं, हम तीन लोग हो गए हैं। और अभी चल राजू और कल्लू को भी बुला लेते हैं। ठीक है चाचा, चलिए। राजू, अरे ओ राजू, राजू बेटा ये दरवाजा खोलो तो। अरे चाचा, ये टोपी और कुर्ता पहन के चुनाव में खड़े हो रहे हो क्या तुम? अरे राजू, तुमने तो सही पकड़ा है। चल एक काम कर, अब हमारा प्रचार भी करवा दे, वोट मांगने चलना है साथ में, ताकि लगे कि हाँ हमारे नेता के साथ में काफी लोग हैं। चचा यार, अब तुम देखो, ये भीख मांगने वाली हमारी इतनी अभी हैसियत नहीं हुई है। अब भीख तुम ना मंगवाओ, भीख तुम अपने ही मांग लेते तो ठीक रहता। ये वोट मांगने वाला काम हम नहीं कर पाएंगे चाचा। अरे राजू बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे भीख मांगने थोड़े हम लोग जा रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं और क्या, भीख थोड़े ना मांगने जा रहे हैं। अरे चुनाव जब जीत जाऊंगा तो देखना, तुम्हारे मोहल्ले की दिशा नक्शा सब बदल दूंगा। ठीक है चाचा, पहले तो तुम जीत जाओ। चलो ठीक है, अच्छा प्रचार करवा देते हैं तुम्हारा। हाँ हाँ राजू, चलो उसके चलो सब लोग, चलो हमारे पीछे पीछे चलो। और सही से चुनाव में आवाज़ लगाना और नारा एकदम बहुत तेज़ी से लगाना होगा। चाचा सबसे पहले तो हमें ये बताओ, तुमने तो चुनाव में खड़े हो गए हो, अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा चुनाव निशान क्या है? क्या बोल कर हम लोग चिल्लाएंगे, लोगों से क्या बता के वोट मांगेंगे? तुम्हारा चुनाव निशान तो बताओ क्या है? बेटा हमारा चुनाव निशान लोटा है, और तुम्हें इसी लोटे पर मोहर लगाना है और हमें चुनाव जितवाना है। लोटा? ये लोटा कौन सा चुनाव निशान होता है? वही लोटा ना जो हगने वाला लोटा होता है। अरे राजू बेटा, लोटा सिर्फ हगने के काम नहीं आता है, चुनाव लड़ने के काम आता है, पानी पीने के भी काम आता है, सिर्फ हगने के काम नहीं आता है। चलो अब हमारा प्रचार करवाओ। ठीक है चलो सब लोग अब चाचा के साथ प्रचार किया जाए। नीम का पत्ता कड़वा है, चाचा साला भड़वा है। अरे अरे राजू, ये किस तरीके का नारा लगा रहे हो? कोई ढंग का नारा लगाओ जिससे लोग हमारे प्रति आकर्षित हो। ये कौन सा नारा लगा रहे हो? अब ये नारा मत लगाना, कोई बढ़िया नारा लगाओ। ठीक है चाचा, आप परेशान ना हो, आप बस चलें। गली गली में शोर है, चाचा साला चोर है। अरे अरे मंटू, ये माइक तुमने किसको पकड़ा दिया? पता नहीं कौन कौन से तरीके का ये नारा लगा रहा है, कभी चोर बना रहा है तो कभी भड़वा बना रहा है। तुम माइक लेके कोई अच्छा सा नारा लगाओ। क्या राजू भाई, तुम तो एकदम से बेइज्जती करवा रहे हो मेरी। लाओ माइक मुझे दो, अब हम बोलेंगे। तुम लोग बस यही नारा लगाते रहोगे और चाचा को चुनाव हरवा दोगे। हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि चाचा इस बार चुनाव हार जाएंगे। तुम लोगों के नारे की वजह से जनता सुन रही है हम लोगों का नारा किस तरीके हो रहा है। कभी तुम इसको भड़वा में बता रहे हो और कभी क्या नाम है कह रहे हो कि ऐसा है वैसा है। हमारा नेता कैसा हो? बाबूलाल जैसा हो। वाह वाह मंटू वाह, तुमने तो एकदम बहुत ही गजब का नारा लगा दिया। ऐसे ही नारा लगाते रहो, चाचा को जिताते रहो। जिस हिसाब से चाचा का चुनाव निशान है उसी हिसाब से नारा भी लगना चाहिए। मंटू देख, ज्यादा बकर बकर मत कर, तुम शांति से खाली झंडा लेकर चलते रहो बस। मेरे लिए उम्मीदवार बाबूलाल चाचा की जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बाबूलाल चाचा का चुनाव चिन्ह लोटा, लोटे वाले खाने का चिन्ह दबाकर बटन दबाकर और आप उनको विजयी बनाए, भारी मतों से विजयी बनाए। याद रखना भाइयों बहनों, उनका चुनाव निशान है लोटा लोटा लोटा। लोटे वाले खाने को विजयी बनाए और हमारे बाबूलाल चाचा को विजयी बनाए। आपके घर में एक एक लोटा जाएगा और पोटी करने उस लोटे से जाइएगा। अरे राजू, ये किस तरीके की तुम बात कर रहे हो? लोटे से लोग पोटी करने जाएंगे? पोटी करने नहीं जाएंगे, सिर्फ पानी पियेंगे,
घर का सारा काम करेंगे। मैं जीत जाऊंगा, सबको एक घर, सबके घर में एक एक लोटा बटवाऊंगा। अरे चाचा, हम लोग कद्दू के घर पहुँच गए हैं, जरा उसको भी बुला के बुला दीजिए, थोड़ी भीड़ बढ़ जाए, ताकि क्या हो कि हम लोग का माहौल थोड़ा और टाइट हो जाए। ठीक है बेटा, ठीक है, अभी मैं बोल देता हूँ। मल्लू, ओ मल्लू बाहर निकल, चल चुनाव में प्रचार करवाना है। मल्लू क्या है नेताजी, सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं क्या? कौन से काम अर्जेंट पड़ा है जो इतना तेज चिल्ला रहे हैं, और इतने लोगों को लेकर कहाँ घूम रहे हैं, और ये टोपी ओपी लगा के कहाँ घूम रहे हैं? अरे मैं चुनाव प्रचार में खड़ा हुआ हूँ, मेरा चुनाव निशान लोटा है, मेरे चुनाव निशान पे बटन दबाएं और हमको भारी मतों से विजयी बनाओ। अच्छा अच्छा, तो आप चुनाव प्रचार में खड़ा हुए हैं? हाँ और क्या। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। यार कर लो, भाभी तो बड़ी सुंदर लग रही हैं। अरे सुंदर तो मुझे भी लग रही हैं, पर करे तो करे क्या। हमारा चुनाव निशान है लोटा, लोटा लोटा लोटा। अरे हाँ हाँ समझ गए, जब चुनाव का डेट आएगा और जब हमको वोट डालना होगा तो हम जाके वोट डालेंगे आपके लोटे वाले चुनाव निशान पे, और आप परेशान ना होइए, हम अपने भी डालेंगे और उनको भी डलवा देंगे। ठीक है भाभी जी, टाइम से जाइएगा बूथ पर और लोटे वाले बटन पर ही दबाइएगा बटन। अरे हाँ भाई हाँ, लोटे वाले खाने पर ही बटन दबाऊंगी। ठीक। अरे चाचा, अब आए हो तो लोटा देने वाला वचन तो निभाई दो, अब भाभी जी को एक लोटा देके अपना वादा पक्का कर लो, ताकि ये भूले ना, जब भी आपके लोटा देखे तो तुरंत उसे ख्याल आ जाए उनको कि हाँ हमको बटन इसी पर दबाना है। अरे हाँ हाँ हाँ, तू तो बहुत सही काम किया। लो अच्छा ठीक है, हम यही काम करते हैं। लो बेटा, ये हमारा चुनाव निशान है और इसको तुम रख लो, आज से हमारा तुम्हारा वादा पक्का हुआ, हमने तुमको लोटा दे दिया है, अब तुम इसी वाले खाने को मोहर लगाना है और हमको बाबूलाल को विजयी बनाना है। जैसे हम चुनाव जीतेंगे तुम्हारे घर पे 10 लोटा और भिजवा देंगे, ताकि तुमको पानी पीने के लिए और भी चीज़ सुविधाएँ अच्छी अच्छी हों, तुम्हारे मोहल्ले का हम नक्शा बदल देंगे। ठीक है आप दे दीजिए, हम ऐसा ही करेंगे। अरे राजू कल्लू मल्लू सब लोग चलो, अब दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं कहीं और लोगों से बातचीत करना है, अभी और भी आगे बढ़ना है। जाओ बेटा तुम अब घर पे जाओ, आराम से हमारा चुनाव निशान याद रखना। अरे राजू, ये सामने से कौन लड़का आ रहा है, लग रहा है ये कल्लू है क्या? हमें तो ऐसे कल्लू लग रहा है, देख तो तू भी जरा। हाँ नेताजी, ये कल्लू ही है, और चलिए उससे भी वोट पक्का कर लीजिए, और पता नहीं कहाँ से आ रहा है, आने दीजिए। अच्छा रुकिए यहीं पर, आने दीजिए उसको। सुबह का है वक्त, हाथ में लोटा नहीं, हमें हर डर है हम कर न जाए यहीं। सुबह का है वक्त, हाथ में लोटा नहीं, ये बोतल से दो हगने जाते हैं। सुबह सुबह पोटी करने जाते हैं, पेट को अपने फ्रेश रखते हैं। सुबह का है वक्त, हाथ में लोटा नहीं। अरे अरे बेटा कल्लू, ये गाना वाना गाते हुए कहाँ से आ रहे हो बेटा? तुम देख नहीं रहे हैं नेताजी कहाँ से आ रहे हैं? सुबह सुबह हम बोतल लेके कहाँ जाएंगे, पोटी करने गए थे और कहाँ गए थे, पोटी करके आ रहे हैं। आपको क्या करना है, आप तो सुबह सुबह उठ जाते हैं, बस वोट मांगने के लिए चले जाते हैं। अरे बेटा तुम समझ गए कि हम वोट मांगने आए हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं, सबसे पहले हम तुम्हारे पास आए हैं कि चलें सबसे पहले तुमसे वोट पक्का कर ले अपना, नहीं तो कहीं तुम दूसरे वाले खाने पर बटन दबा दोगे तो अच्छा हमें अच्छा नहीं लगेगा और हम हार जाएंगे, इसीलिए हम सबसे पहले तुम्हारे पास आए हैं। अरे नेताजी कल्लू से कुछ बात कर लीजिए अपने वोट के बारे में। अरे कल्लू, अब तुम्हें बोतल ले जाने की जरूरत नहीं है, बोतल में तो सिर्फ बियर पियो, बोतल ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों चाचा, हमारे लिए कुछ घर लैट्रिन बनवा रहे हैं क्या? लैट्रिन का तो पता नहीं, लेकिन चाचा का चुनाव निशान पता है क्या है? हाँ क्यों नहीं पता है, चाचा को चुनाव निशान हाथी घोड़ा होगा और क्या होगा, हाथी घोड़ा ही वो चुनाव निशान होता है और क्या, कुछ हेलीकॉप्टर थोड़े होता है।
कर दिए मूर्खों वाली बात। अरे चाचा का चुनाव निशान है लोटा लोटा, इससे तुम रोज लोटा पकड़ो, रोज हंगने जाओ, समझ गए कि नहीं? और चाचा तुमको लोटा देने आए, अगर जीत गए तो तुम्हारे घर पे लोटे का भंडार लगवा देंगे। अरे कल्लू ये बोतल वोतल फेंको और तुम भी चाचा का लोटा ले लो और बस लगे हाथ लोटा ले ही लो। लाइए चाचा लाइए और हमारा लोटा दीजिए। कहाँ है लोटा मेरा? अरे दे रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हो? लोटा ही चाहिए ना तुमको, लेकिन लोटा तो दे रहे हैं। चुनाव निशान मेरा लोटा है और जब तुम वोट डालने जाना तो चुनाव तो लोटे वाले खाने पर ही बटन दबाना, दूसरे पर मत दबा देना कि जाके घोड़े वाले पे दबा दें, लोटे वाले पे दबाना। ये लो बेटा कल्लू लोटा, और इसी वाले खाने पर बटन दबाना और इससे रोज तुम हगने जाना और पानी पीना। ठीक है नेताजी, अब हम चलते हैं। चचा हम ये कह रहे थे कि जैसे कि लोग तो इकट्ठा होने रहे हैं, तो हम ये सोच रहे थे यहाँ दो चार लौंडिया को बुलवा के और मस्त नौटंकी करवाया जाए, रात भर सबको नौटंकी करवाया जाए, उसके बाद अपना भाषण का स्पीच दीजिए, लोगों का इकट्ठा भी हो जाएगा, लोगों का मनोरंजन हो जाएगा। अरे राजू जब भी तुम बोलते हो तब तुम मारपीट करवाने की ही बात करते हो, अब तो मुझे गुस्सा आ गया है। अब ले पहले तो थप्पड़ खा। अरे चाचा रहने दो, बस मत मारो, नहीं तो वो प्रचार करवा रहा है, वो भी भाग जाएगा। मत मारो, इतना भी कोई मारता है? एक तो इनका प्रचार करवा रहे हैं, एक तो और ऊपर से मार भी रहे। इतना अच्छा आइडिया दिए थे, अब जाओ, तुम चुनाव हार जाओगे, हमें से नहीं मतलब, हम तो जा रहे हैं। चलो रे तुम भी चलो, तुम लोग भी चलो, जाओ अपने अपने घर जाओ, चाचा को अकेले चुनाव लड़ने दो, जाओ। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा चुनाव निशान है लोटा, तो आप लोगों को लोटे वाले खाने पर बटन दबाना है। और हाँ, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और बटन है, सब्सक्राइब वाला बटन, जो कि नीचे बेल आइकन भी दबाना है आपको। सब्सक्राइबर वाला बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे ही नया नया वीडियो बनाएं और आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाए वो। और हाँ, अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।